प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पलता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। सातवां पड़ाव, छात्रावास का जीवन 1933 से 1942 तक। सरस्वती शर्गा को हम लोग दिद्दा कहते थे। वे हम लोगों को सिलाई सिखाती थीं और अनुशासन का पूरा अंकुश भी रखती थीं। सिलाई में हमें पेटीकोट की चार लंबी लंबी कलियों पर हाथ से बखिया करनी होती थी, पर मजबूती व सफाई के ख्याल से दिद्दा फिर चोर बखिया भी करवाती थी। यूँ चार कलियों पर 8 बार बखिया करनी होती थी। हम लोग बहुत ऊब जाते थे। कभी कभी कहने पर वे हमें खटाखट लेजी डेजी स्टिच से टेबल क्लॉथ पर फूल काटने देती थी, पर बीच बीच में कश्मीरी स्टिच, सिंधी स्टिच व सुई में डोरा लपेटकर गांठें भी डलवाती जाती थी। दूसूती पर जब क्रॉस स्टिच से काटना होता था तो पूरे टेबल क्लॉथ पर जाल बनवाती थी। डोरे निकालकर जाली तो चारों तरफ बनानी ही पड़ती थी। पित्ता मारने के लिए लड़कियों को ये सब सीखना जरूरी था। साल भर में हम बस 5-6 कपड़े ही सी पाते थे, पर दोनों घुटनों में दबाकर उकड़ू बैठकर सफाई से कढ़ाई, तुरपन व बखिया करना सीख लिया। जब दिद्दा का मूड होता था तो हम लोगों को इधर उधर के किस्से भी सुनाती थी, जिनमें से हमें उनकी कश्मीर यात्रा वाला किस्सा बड़ा अच्छा लगता था। हमने नक्शे में तो कश्मीर देखा था, पर कश्मीर रिटर्न से कभी मिले नहीं थे। कैसे दिद्दा अपने परिवार के साथ बगल में गब्बा दबाकर टहलने निकल जाती थी और थक जाने पर कैसे हरी हरी घास पर गब्बा बिछाकर लेट जाती थी। कैसे उनकी बेटी केशोबाई का बैरा उन्हें टिंडर टिंडर लेडीज फिंगर की तरकारी बनाकर परोसता था। वह बब्बू गोशे बच्चे कितने शौक से खाते थे। हमें ये सब नाम नए लगते थे और 9 बरस के हमारे दिमाग में कश्मीर छा जाता था। बीच बीच में हमारे सवालात पूछने पर दिद्दा हमेशा यही कहती थी, गुल मत करो, गुल मत करो। जब हम चुपचाप बैठ जाते थे तो कहती थी, क्या गमजदा बनी बैठी हो। हमारे साथ भारत के अनेकों प्रांत की लड़कियां वसंत आश्रम में रहती थी और अधिकतर 3-4 बहनें होती थीं। इस तरह 12-15 साल तक एक परिवार का सिलसिला हॉस्टल में चलता था। कुड़वार राज्य से 10 बहनें थीं, 5-6 माथुर बहनें, 4 इंद्रमोहिनी सिन्हा, 3 बहनें भंडारी, 3 बहनें, 3 दुबे बहनें, छिंदवाड़ा की ही 6 त्रिवेदी सिस्टर्स, 3-4 खेर बहनें, 3 अष्ठाना बहनें, 3 साहू बहनें, 3 चक्रवर्ती बहनें, 3-4 यादव बहनें, पटना की 2 सिन्हा बहनें, 3 वर्मा बहनें, 2 वर्मा बहनें छीटपट्टी की, 3 शांति शर्गा बहनें, 3 ललिता शर्गा बहनें, 2 नेहरू बहनें, 2 खलील बहनें, 2 पटनी बहनें। ये थोड़े से नाम जो याद आ रहे हैं लिख रही हूँ। इनमें से हर प्रांत की किसी न किसी बहन से मेरा अभी तक संपर्क बना हुआ है। बस त्रिवेदी सिस्टर्स का पता लगाना है। इन्हीं छात्राओं में से अनेक उच्च पदाधिकारियों से ब्याही गई हैं। उस समय थियोसॉफिकल नेशनल गर्ल्स स्कूल एवं विमेंस कॉलेज का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता था और ऊंचे परिवार के लोग यहाँ की पढ़ी लड़कियों से संबंध करने के इच्छुक रहते थे। एक बहन राजरानी बनी और ग्वालियर के राज सिंहासन पर शोभायमान हुई। एक बहन जौनपुर नरेश से ब्याही गई। प्रतिवर्ष जब भूतपूर्व छात्रा सम्मेलन का कॉलेज में आयोजन होता तब अधिक से अधिक पुरानी छात्राएं आती, अपने पुराने सुनहरे दिनों को याद करती, हंसती गाती नाटक करती। विद्यालय की स्वर्ण जयंती पर राजमाता विजय राजे सिंधिया उसी नाते से आई और सबको हर्षित कर गईं। उस समय मैंने रसिया की धुन पर बनाकर यह समूह गीत गाया था।
14 कैरेट वाली ना ही हमारी स्वर्ण जयंती है, 14 कैरेट वाली ना ही हमारी स्वर्ण जयंती है, स्वर्ण जयंती है हमारी कनक जयंती है, स्वर्ण जयंती है हमारी कनक जयंती है, 14 कैरेट वाली ना ही हमारी स्वर्ण जयंती है। पूरे करे शतक 85 बार बार आवे हम काशी, पूरे करे शतक 85 बार बार आवे हम काशी, भूतपूर्व छात्राओं की बस यही मनोती है, भूतपूर्व छात्राओं की बस यही मनोती है, 14 कैरेट वाली ना ही हमारी स्वर्ण जयंती है। अपने विद्यालय की शिक्षा जग में फैलावे सब शिष्या, अपने विद्यालय की शिक्षा जग में फैलावे सब शिष्या, नया रंग भर दे जीवन में यही कसौटी है, नया रंग भर दे जीवन में यही कसौटी है, 14 कैरेट वाली ना ही हमारी स्वर्ण जयंती है। बनी रहे अक्का की महिमा मानो शोभा अनु की गरिमा, बनी रहे अक्का की महिमा मानो शोभा अनु की गरिमा, माँ वसंत का स्वप्न आज साकार वसंती है, माँ वसंत का स्वप्न आज साकार वसंती है, 14 कैरेट वाली ना ही हमारी स्वर्ण जयंती है। रंग रंग की छवियों वाले हम अलबेले हम अस्ताने, रंग रंग की छवियों वाले हम अलबेले हम मस्ताने, गावे आज तराना मिलकर स्वर्ण जयंती है, गावे आज तराना मिलकर स्वर्ण जयंती है, 14 कैरेट वाली ना ही हमारी स्वर्ण जयंती है, 14 कैरेट वाली ना ही हमारी स्वर्ण जयंती है, स्वर्ण जयंती है हमारी कनक जयंती है, स्वर्ण जयंती है हमारी कनक जयंती है, 14 कैरेट वाली ना ही हमारी स्वर्ण जयंती है। पुराने नाते पुराना विद्यालय जैसे आज भी संसार की अनगिनत नई उपलब्धियों से ऊपर है, वह आनंद वह स्नेह वह अपनापन पाने में फिर बड़ी कठिनाई होती है। हमारी सुप्रिटेंडेंट सुलोचना बाई सब छात्राओं का जैसे स्वागत करती थीं, जैसे भोजन खिलाती थीं, वह अन्य कहीं नहीं मिला, वे स्नेह की मूर्ति हैं और आज भी दिल्ली में भेंट होने पर उसी प्यार से मिलती हैं। उस युग की अनुताई भी दिल्ली में जब मिलती हैं तो सगी बड़ी बहनों की याद आ जाती है
स्नेह का सागर है वे। अब ये दोनों नहीं रही। अपनी पुरानी प्रिंसिपल पद्माबाई संजीव राव अक्का से यद्यपि हमें बड़ा भय लगता था, परंतु उनका हृदय अत्यंत कोमल था। मद्रास में जब उनसे बहुत बाद में मिले तो मन में भय वय कहीं नहीं था। वही सहज अपनापन मिला जो उनके मन में अपनी सब छात्राओं के लिए था। कहाँ लो कहिए ब्रिज की बात। ऑफ ऑल द स्कूल्स दैट स्टैंड द टेस्ट द TNGS इज द बेस्ट इज द होम इज इन काशी ऑफ एंशियंट फेम हुज लश्चर टू ब्राइटन मोर इज आवर एम इन स्टडी एंड फ्रेंडशिप वी हैप्पीली लिव एंड एवर टू ऑल आवर सिंपैथी गिव बाय मिस एच वील द इंग्लिश टीचर ऑफ थियोसॉफिकल नेशनल गर्ल्स स्कूल एज वसंता कॉलेज वॉज कॉल्ड देन।